हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पूर्व CGI रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनीत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यह याचिका लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले से न्यायपालिका की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए इस पर रोक लगा देनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व CGI रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामांकित किया था। गोगोई ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला दिया था। दोस्तों गोगोई 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए थे। सरकार ने 75 करोड़ लोगों को दिया बड़ा तोहफा। PDS से एक बार में ले सकेंगे 6 महीने का राशन। जी हां दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि 75 करोड़ बेनिफिशियरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत एक बार में 6 महीने का राशन ले सकते हैं। सरकार ने यह फैसला फैल रहे संक्रमण को देखते हुए लिया है। फिलहाल दोस्तों PDS के जरिए बेनिफिशियरी को अधिकतम 2 महीने का राशन एडवांस में लेने की सुविधा है। हालांकि पंजाब सरकार पहले से ही 6 महीने का राशन दे रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे गोदामों में काफी अनाज है। हमने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को गरीबों को एक बार में 6 महीने का राशन बांटने को कहा है। इससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा भी कम रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। निर्भया मामला, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुकेश की याचिका कर दी गई है खारिज। जी हां दोस्तों, निर्भया मामले में दोषी फांसी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस मामले में एक दोषी मुकेश कुमार की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल दोस्तों दोषी मुकेश ने एक याचिका दाखिल की थी, उसमें उसने इस मामले में आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया था कि जिस वक्त दुष्कर्म हुआ उस वक्त वह दिल्ली में ही मौजूद नहीं था। इस याचिका में मुकेश के फांसी की सजा का विरोध करते हुए अपील की गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में 4 दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है। न्यायमूर्ति ब्रजेश शेट्टी ने कहा है कि निचली अदालत के विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यह बताने के लिए कोर्ट पर कुछ भी नहीं है कि इस मामले में मुकदमा किसी भी साक्ष्य को छिपाने के कारण प्रभावित हुआ है। दोस्तों इस मामले में दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति को पहले लेटर लिखा था। इस लेटर में परिजनों ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। इस लेटर में कहा था कि हम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीड़िता के माता पिता से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे अनुरोध को स्वीकार करें और हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दें। उन्होंने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु देने से भविष्य में होने वाले किसी भी अपराध को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु दे दी जाती है तो निर्भया जैसी दूसरी घटना को होने से रोका जा सकता है। कोर्ट ने इसे भी नकार दिया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यस बैंक के प्रतिबंध हटने के बावजूद ग्राहक नहीं निकाल पा रहे हैं पैसा, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं अभी भी है ठप। जी हां दोस्तों, यस बैंक की सभी बैंकिंग सर्विसेज पर RBI की ओर से लगे प्रतिबंध को हटने के बावजूद ग्राहक अपने खाते से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं भी अभी काम नहीं कर रही है। बैंक के मोबाइल ऐप पर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट का मैसेज आ रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर बैंक के ग्राहक लगातार सर्विसेज को लेकर शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब 13 दिन के बाद यस बैंक की सर्विसेज पर लगी सभी तरह की रोक हटा ली गई है। 5 मार्च की शाम को यस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया गया था और उसका पूरा कंट्रोल RBI को सौंप दिया गया था। इसके बाद सरकार ने बैंक के लिए नया प्लान लाने का ऐलान किया और प्रशांत कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। इससे पहले सरकार ने यस बैंक के लिए कई सारी सीमाएं भी तय कर दी थी। अंतिम सीमा 50,000 रुपए तक की थी, जो कि 18 मार्च को शाम 6 बजे हटा ली गई है। इसके बाद से SBI के ग्राहक अब कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का।
लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानिए आज के दाम। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरा दिन है आज जब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज ग्राहकों को एक लीटर पेट्रोल डीजल के लिए पुरानी कीमत ही चुकानी है। दोस्तों बात करें राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आज एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों IOCL की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 62.29 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए आज के सराफा भाव। जी दोस्तों, भारतीय रुपए में कमजोरी और जोरदार मांग की वजह से आज घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 311 रुपए महंगा हो गया। दोस्तों बात करें सोने के भाव की, तो आज सोना 39,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 468 रुपए तक गिर गई है और अब चांदी 35,948 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, 1 रुपए में थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए करवाएं बुखार की जांच, 19 रेलवे स्टेशनों पर सुविधा हो गई है शुरू। जी हां दोस्तों, संक्रमण के मामले देश में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। रेल यात्री मात्र 1 रुपए देकर बुखार की जांच थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए करवा सकेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों लगातार सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही रेलवे ने अपने सभी एसी कोचों में चादरें देने का काम बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, साल 2019 में सरकार ने नहीं छापा एक भी 2,000 रुपए का नोट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान है कि सरकार अब 2,000 रुपए के नोट बंद करने वाली है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल दोस्तों सोमवार को सरकार ने इसका जवाब दे दिया। 31 मार्च को खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में 2,000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई। हालांकि दोस्तों 2,000 रुपए के नोटों की छपाई बंद करने को लेकर केंद्र सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। सोमवार को राज्य वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। दोस्तों अनुराग ठाकुर ने यह भी साफ कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने की अभी सरकार की कोई योजना नहीं है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, भारत सरकार ने 2000 के नोट सिर्फ उसी वक्त छापे थे जब नोटबंदी हुई थी। उसके बाद से 2000 रुपए के नोट की छपाई भारत सरकार ने बंद करवा दी और इससे बाजार में असर यह हुआ कि 2000 रुपए के नए नोट नहीं आ रहे थे। ऐसे में लोगों में असंतोष की भावना जागृत हो गई कि कहीं 2000 रुपए के नोट बंद तो नहीं हो गए। इसी के जवाब में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद हुई है, लेकिन उन्हें सर्कुलेशन से वापस लेने की अभी कोई योजना नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, GST का फायदा नहीं पहुंचाने के मामले में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर लगा 75.08 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, GST दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने के आरोप में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड पर जुर्माना लगाने की खबर है। अंग्रेजी के बिजनेस न्यूज पर लाइव मिंट में छपी खबर के मुताबिक GST में कमी का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने और सामान का रेट ज्यादा लेने के लिए बाबा रामदेव संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड पर 75.08 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल एंटी प्रोफिडियंटरिंग अथॉरिटी यानी कि NAA ने यह जुर्माना लगाया है। NAA ने कहा है कि उसे यह सुनिश्चित करने का काम मिला है कि टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहक तक पहुंचे। DGAP को कहा गया है कि वह 4 महीने के भीतर इस जुर्माने के अनुपालन की रिपोर्ट सबमिट करे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, अगले हफ्ते 4 दिन बैंक रहेंगे बंद, बैंक यूनियनों ने फिर किया हड़ताल का ऐलान। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास बैंक से जुड़ा जरूरी काम है तो उसे अगले हफ्ते मंगलवार तक निपटा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगले हफ्ते 4 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे। PSU बैंक के मेगा विलय का विरोध, सैलरी बढ़ाने और हर हफ्ते को 2 छुट्टी मिलने, इन मांगों को मनवाने के लिए बैंक यूनियन 27 मार्च को हड़ताल करने वाली है। यह हड़ताल पहले 11 मार्च से 3 दिन के लिए होने वाली थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनियनों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल करेंगे। उनकी मांगों में 10 PSU बैंकों के प्रस्तावित विलय को रोकना, IDBI बैंक का निजीकरण, बैंक सुधारों का रोल बैक, बैड लोन की वसूली और जमा पर ब्याज दर में वृद्धि शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, RBI की अपील, बैंक में न जाएं, कम से कम करें केस का इस्तेमाल, 24 घंटे यूज करें NEFT
TCS UPI की सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त एक ही परेशानी से जूझ रही है। दोस्तों भारत में भी इससे पीड़ित लोगों की संख्या 114 पर पहुंच गई है। दोस्तों परेशान करने वाली बात तो यह है कि यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसी वजह से RBI ने भी लोगों से अपील की है कि वे पेमेंट करने के लिए डिजिटल जरिया अपनाएं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं और इसे फैलने से रोकना चाहते हैं तो डिजिटल मोड का इस्तेमाल करें। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी सोमवार को कहा कि आम जनता के लिए गैर नगद डिजिटल विकल्प जैसे कि NEFT, IMPS, UPI और BBPS फंड ट्रांसफर, सामान खरीदने, सेवाओं की खरीद, भुगतान की सुविधा 2400 घंटे मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने इसके बढ़ते प्रकोप के बीच और लोगों में इसे लेकर डर के माहौल को देखते हुए यह कदम उठाया है। साथ ही दोस्तों विभिन्न सरकारों ने 31 मार्च तक के लिए सारी भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद कर दिया है। इनमें दोस्तों स्कूल, कॉलेज, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर आदि शामिल है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।